फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल्स में। फर्स्ट वन, देखो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिल रहा है, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। और जानते हो कि जहाँ तक सवाल है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी का, तो अभी हमारे पास जो व्यवस्था वो चिकन नेक सिलीगुड़ी का वहीं से जाता है और हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हैं। बट जिस हिसाब से रेल कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारा हो रहा है, और अभी प्रपोज किया गया है कि अगर तला अखौरा रेल नेटवर्क वो स्टार्ट होने वाला है, और ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के साथ हमारा रेल लिंक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है, पैसेंजर टू पैसेंजर आते ही लोग सब, बहुत सारा सामान भी आता है। और अभी भूटान का किंग ने भी बोला है ना, फिफ्थ जो किंग है, उन्होंने कहा है ना कि कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वगैरह मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि नेबरहुड पॉलिसी अच्छा होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। और हम जानते हैं कि कुछ साल में भारत के जितने भी नेबर्स हैं वो भारत से खफा है, अलग अलग कारण से खफा भी है, प्लस चाइना का बहुत बड़ा दखलंदाजी है यहाँ पर। नेपाल का केस देख लो, देखो बाय पार्टीजन सपोर्ट नहीं ना है जी। बांग्लादेश में देख लो, जो अभी शेख हसीना है, तो वो भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जो अभी इनकमिंग गवर्नमेंट है मोदी जी का। जैसे वहाँ पलट जाएगा, तो वहाँ पे शासन दूसरा हो जाएगा, तो फिर भारत के प्रति वो नहीं रहेगा रिलेशन। श्रीलंका में हमने देखा ही है क्या हुआ है, मालदीव्स में हमने देख ही लिया रिसेंट टाइम में। इसलिए और डोकलाम का इशू जानते हो भूटान का, तो कहने का मत। और म्यांमार भी देखो, मुझे मैप दिख रहा है, म्यांमार देखो, म्यांमार में जुंगटा रेवेलियन। तो इस ऐसे सिचुएशन में कैसे हम नेबरहुड के साथ कनेक्ट रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही वेलकम मूव है भारत सरकार का। तो इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन द नेबरहुड बेनिफिट्स नॉर्थ ईस्ट इमेंसली, समझ गया ना, नॉर्थ ईस्ट को बहुत फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगा। ऐसे भी जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो टेराइन है, टोपोग्राफी है, वो बहुत ही मतलब इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता है कि लोग सब वहाँ पे जाए, मतलब करेक्ट लैंडस्लाइड्स का भी आ जाएगा, इंटरनेट का कमी है, व्यापार का कमी है ना, बहुत सारा चीज़ वहाँ कमी है। और इस तरह कनेक्टिविटी होगा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखते हैं 407 नाइन डैश लाइन, जानते हो नाइन डैश लाइन का कहानी। अभी जो फिलीपींस ने कहा ना कि ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, और इसका बोरो जो आइलैंड था, ठीक है ना, जो बॉल था ना वहाँ पे, तो चाइनीज़ ने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो जो फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है, उसने ऑर्डर किया कि चाइनीज़ का जो रिस्ट्रिक्शन, जो बैरियर लगा है वो तोड़ दो, और फिलीपींस ने तोड़ दिया, तो फिर से न्यूज़ में आ गया है नाइन डैश लाइन। तो इसमें हम लोग समझेंगे, अंदर का चीज़ समझेंगे, और जो भी अभी तक हुआ इसमें डेवलपमेंट, PCA का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 2016 में क्या आया था जजमेंट, जानते हो तुम लोग, याद है ना, कहा था ना कि अनक्लॉज के हिसाब से सभी कंट्री को नेविगेशन के लिए मिलना चाहिए, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक सभी कंट्री का होगा, अनक्लॉज लॉ जो है तुम्हारा। मैं चाइना बोल रहा है कि हम तो शुरू से ही, हमारा शुरू से ही रहा है ये जो एरिया हम क्लेम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल राइट्स है मेरा, तो इस राइट्स को ये जो क्लेम कर रहा था चाइना, उसको तो PCA ने बोला कि तुम गलत क्लेम कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो लॉ है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो नाइन डैश लाइन है, ये पहले 11 डैश लाइन था स्टूडेंट, समझे, तो वो भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। एंड 418 प्योरली इकोनॉमिक्स का विषय है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, केवल सरकारी करे, वो भी केंद्र सरकार करे, तो ये अच्छी बात नहीं है, प्राइवेट प्लेयर को भी आना होगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही अटेंटिव होना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब देखो, सरकार ने इस साल बजट में बोला 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, बहुत ह्यूज रकम होता है, रेलवे को 2.25 लाख करोड़ के आसपास मिला है। यदि केंद्र इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, अ क्राउड इन भी नहीं हो रहा है, तो फिर सरकार के पास तो और भी तो पैसा होना चाहिए दूसरे सेक्टर को देखने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स को देखने के लिए, एम्बिशियस प्रोग्राम को देखने के लिए। यदि सरकार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकार ही केवल काम करेगी, तो कोई कंट्री के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, बट क्या सब ठीक है सरकार ही लिया है क्या? सरकार काम है कि इम्पेटस प्रोवाइड करना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना।
अब मान लो कि लगातार सरकार 2030 तक लगातार करते रहे, 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ देते रहे, तो पब्लिक डेब्ट फिर बढ़ जाएगा बहुत तेज़ से। अब पब्लिक डेब्ट बढ़ेगा फिर एनुअल पेमेंट इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसका, तो फिर आखिर किसको फर्क पड़ेगा? हमारे जैसे जनता को ही फर्क पड़ेगा उसका नेगेटिविटी। तो वही करेंगे इसमें हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं 416 GS/2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। परफेक्ट तुमको दिया गया है सिलेबस, देख रहे हो ना, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। ये आया था हिंदू पेपर में 9 नवंबर को। तो अच्छे समझते हैं स्टूडेंट, एकदम एक एक चीज़ समझना है। अगरतला अखौरा रेल जो लिंक है, रेल लिंक है, वो इनाग्रेट किया है, शिलान्यास कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। जब उद्घाटन हो गया तो जानते हो कि आने वाले समय में ऑपरेशनल भी हो जाएगा ये। नवंबर 1 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और उसके जो काउंटर पार्ट है बांग्लादेश के, शेख हसीना ने, ठीक है, ये रेल लिंक को इनाग्रेट किया। ये अगरतला टू अखौरा है। अगरतला जानते हो कैपिटल है त्रिपुरा का, और अखौरा सिटी है बांग्लादेश का, समझे। ये लगभग तुम्हारा सर 12 किलोमीटर का, 12.24 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं लगभग 12 किलोमीटर का तुम्हारा रेल लाइन है, जिसमें लगभग 6 से 7 किलोमीटर बांग्लादेश में है और 5 से लेकर 6 किलोमीटर तुम्हारा कहाँ पे है, त्रिपुरा में है, इंडिया में है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा बांग्लादेश और इंडिया को। इंडिया कौन सा हिस्सा? नॉर्थ ईस्ट रीजन को। अभी देखो ना, अभी यदि तुमको नॉर्थ ईस्ट जाना होगा तो तुम चिकन नेक से जाओगे, सिलीगुड़ी होते हुए जाओगे, तो मात्र एक सिलीगुड़ी ही कॉरिडोर है आपका, कि वहीं से आप तुम नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करोगे। अब देखो, यदि अगरतला से अखौरा हो जाए तो जानते हो ना कि बंगाल से आराम से कनेक्ट हो जाएगा, बंगाल से आराम से नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके लिए क्या नहीं प्रोजेक्ट लाए हम, कालाधान प्रोजेक्ट भी लाए थे ना, सितवे पोर्ट से कलकत्ता पोर्ट को कनेक्ट करने का, फिर ऊपर जाने का बात था, नॉर्थ ईस्ट को टच करने का बात था। तो आगे देखो स्टूडेंट, हाँ, नसीम निश्चिंत तापुर हुड सब एज ए इंटरनेशनल इमिग्रेशन स्टेशन। और ये जो जगह है निश्चिंतापुर, जो जगह है यहाँ पे तुम्हारा पैसेंजर का स्क्रूटनी होगा, क्योंकि क्या भरोसा गन उन लेके आ रहा हो, वेपन्स लेके आ रहा हो, क्या भरोसा ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मामला हो। तो इसलिए जो वेस्ट त्रिपुरा में है, निश्चिंतापुरा में, यहाँ पे तुम्हारा इमिग्रेशन हो रहा हो, जो आदमी बांग्लादेश से आ रहे होंगे उसका प्रॉपर चेक होगा, स्क्रूटनी होगा। एट द सेम टाइम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हम कहते हैं CBIC, उसने कहा है कि निश्चिंतापुरा में, निश्चिंतापुर में ये तो होगा ही होगा, स्क्रूटनी होगा ही, साथ में वहाँ पे तुम्हारा लैंड कस्टम स्टेशन के रूप में भी यूज़ होगा। लैंड कस्टम मतलब क्या है, क्लियरेंस सबके लिए, कस्टम जानते हो ना, कस्टम टैक्स वगैरह सब लगता है ना, पास होता है, तो वो भी, यानी कि जो भी सामान आएंगे क्लियरेंस तुम्हारा वहीं से मिलेगा। तो लिखा गया है ना, LCS लैंड कस्टम स्टेशन रिफर्स टू एनी नोटिफाइड प्लेस मीन फॉर द क्लियरेंस ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड और टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड और इनलैंड वाटर। जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है उसका क्लियरेंस कहाँ पे मिलेगा, इसी जगह पे मिलेगा। तो देख रहे हो ना, ये जो तुम्हारा त्रिपुरा का जो जगह है निश्चिंतापुर, इसमें दो चीज़ हो रहा है, एक तो पैसेंजर का स्क्रूटनी भी होगा, है ना, सिक्योरिटी पर्पस से, दूसरा क्या होगा, कस्टम स्टेशन भी है, यानी कि जो गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी वहीं पे चेक होगा। होप सो समझ में आ गया होगा जगह ये इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हो बाबू, ये मैप में दिया गया है ना बांग्लादेश, देखो अखौरा, उसको जूम करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या फर्क पड़ा इससे, बात समझो, ये जो रेल लिंक है इसे बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रैवल टाइम बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता विल बी रिड्यूस ड्रास्टिकली, देख रहे हो ना, बहुत ही। अभी देखो प्रेजेंट में कितना लगता है, हाँ बहुत ज़्यादा ही लगता है, ये बहुत कम हो जाएगा जैसे ही ऑपरेशनल हुआ, अभी तो उद्घाटन ही हुआ, जैसे ऑपरेशनल हो जाएगा, जब काम करना शुरू हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट वुड ऑल्सो रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता फ्रॉम अबाउट 31 आवर्स, अभी 21 घंटा लगता है। अभी 21 घंटा क्यों लगता है, वही चिकन नेक के थ्रू जाने से, बात समझे ना, यानी कि कलकत्ता से हमें अगरतला जाना है तो कितना घंटा लगेगा, 31 घंटा, यानी कि लगभग 1.5 दिन लग रहा है, मैं कह सकता हूँ ना 1.5 दिन लगभग, है ना, 1 दिन प्लस लग रहा है। यदि ये लिंक है, ये जो रेल लिंक ऑपरेशनल हो जाएगा, तो देखो ना 10 आवर्स में आप जा सकते हो, तो बहुत बड़ा डिडक्शन है कि नहीं है। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे, अब अभी अभी के हिसाब से देखोगे तो
1500 किलोमीटर का दूरी बढ़ता है चिकन के थ्रू जाने से। पहले गुवाहाटी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से तुम्हारे वही ना गुवाहाटी कैसे जाओगे, चिकन के थ्रू जाओगे। और अभी यदि ऐसा हो जाता है जहाँ बोला ना कि 10 घंटा लगेगा, तो उसे डिस्टेंस मात्र 460 किलोमीटर होगा। फायदा है कि नहीं है? नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी कितना स्ट्रांग हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कंट्री से, तो ये फायदा, ये बेनिफिट होगा। हाँ, ये जो भी कनेक्टिविटी का बात कर रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी का जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भारत का जो एम्बिशियस जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके साथ कंसोनेंस है। समझ गए ना? मोदी जी बोले थे पहले, इससे पहले क्या आया था, लुक ईस्ट पॉलिसी है। तो मोदी जी ने उसको चेंज किया ना, बोला कि लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी होना चाहिए। तो उसके लिए एकदम फिट बैठता है इस तरह का इनिशिएटिव सब। देखो इतना ही नहीं स्टूडेंट, देखो हमको कितना फायदा होने वाला है। इससे क्या हुआ कि चित्तगांव पोर्ट, जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो भी हम एक्सेस कर पाएंगे बांग्लादेश का। बहुत कम, उसके बाद बहुत कम डिस्टेंस बचेगा खौड़ा से चित्तगांव पोर्ट, तो वो भी हम एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि ओवरसीज ट्रेड का भी बेनिफिट होगा भारत को। और दूसरी बात है कि हम हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करते हैं, पड़ोसी को अच्छे से रखने में बिलीव करते हैं कि नहीं बताओ? तो नेपाल से भी तो हमारा संबंध बहुत मधुर रहा था, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी फिर ठीक भी हो रहा है ना? तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस पॉलिसी है, गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके कंसोनेंस में ये सब प्रोजेक्ट है स्टूडेंट। और दूसरी बात है कि इस कनेक्टिविटी का फायदा ये होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होगा बॉर्डर एरियाज में, टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए जाना जाता है ना? तो देखो आराम से कनेक्टिविटी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, यानी कि ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ द गुड कनेक्टिविटी। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि ये एक रेल नेटवर्क की वजह से, रेल लिंक के वजह से कितना फायदा होने वाला है भारत को और बांग्लादेश को भी। जी यहाँ पे देखो अभी तक तुम्हारा कितना रूट है जो ऑपरेशनल है, जहाँ पे चलता है गाड़ी, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 5 ब्रॉड गॉज कनेक्टिविटी लिंक है, 5 है अभी जो ऑपरेशनल है। एक गेड़े रेलवे स्टेशन जो बंगाल का है तुम्हारा, टू दर्शना बांग्लादेश, पेट्रोपोल बंगाल का, ये बेनापोल को कनेक्ट करता है, सिंगाबाद बंगाल का रोहनपुर से कनेक्ट करता है बांग्लादेश का, राधिकापुर वेस्ट बंगाल का ये बिरोल से कनेक्ट करता है, बिरोल कहाँ का, बांग्लादेश का, और हल्दीबाड़ी जो वेस्ट बंगाल का है वो तुम्हारा चिलेहाटी से कनेक्ट करता है बांग्लादेश। ये अभी तक ऑपरेशनल है, ये काम करता है स्टूडेंट। हाँ, और देखो इस पर भी काम हो रहा है कि मही हासन रेलवे स्टेशन जो आसाम में है, उसको भी कनेक्ट करने का बात है तुम्हारा बांग्लादेश का शाहबाजपुर से। तो देखो अच्छा बात न है कि 5 पहले से ही प्रेजेंट है, रोड कनेक्ट, ये तुम्हारा रूट पहले से ही प्रेजेंट है, और इसमें और भी वैल्यू एडिशन करने का बात है। अभी तो खूब खुद देखो इसमें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पर मंथ 100 कार्गो ट्रेन चलते हैं स्टूडेंट, 1 महीना में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, कार्गो समझ रहे हो ना, गुड्स का लगभग 100 ट्रेन चलते हैं। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है थैंक्स टू दिस 5 रूट। समझ गए ना? ये हुआ, ये जो 5 जो रूट दिया गया है ना, ये सब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सामान सब आता जाता है। और इसी के बदौलत क्या हो रहा है कि प्रत्येक मंथ 100 कार्गो ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और जानते हो कि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड सरप्लस है हम बांग्लादेश के साथ, हमारा सबसे ज़्यादा जो नेबर में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है वो बांग्लादेशी है, और वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स है। यहाँ पे देखो अब जहाँ तक सवाल है पीपल टू पीपल, आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, आप निचिंतारपुर में होगा ना, वो उसका स्क्रूटिनी होगा ना, वहाँ पे कस्टम स्टेशन भी लगेगा। तो ये देखो पीपल टू पीपल के लिए 3 ट्रेन है, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, समझ गए ना, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस एंड न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिथाली एक्सप्रेस, ये 3 एक्सप्रेस है, ट्रेन है जहाँ पे आदमी चढ़ के जा सकता है, वहाँ से भी आ सकते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं, 3 है ऑलरेडी। और जितना ही पहले जो बताएं 5, उसमें क्या है कार्गो हैंडलिंग होता है वहां पे, समझ रहे हो ना? हाँ, आगे देखो, और तो एक कनेक्टिविटी और अखौरा और अगरतला का भी करने की कोशिश किया गया है। तो अखौरा और अगरतला हो जाएगा स्टूडेंट, तो जो चित्तगांव पोर्ट है उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब यहाँ देखो दिस 2 प्रोजेक्ट, देखो ये दोनों प्रोजेक्ट दिया गया, पहले बहुत पहले का याद है तो कालादान प्रोजेक्ट कलकत्ता से देखो सितुबे पोर्ट, इसलिए इसको मल्टी ट्रांजिट कहा जाता है, मल्टी मॉडल कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, मल्टी मॉडल,
क्यों मल्टी मॉडल? देखो जहाज से जाएगा कलकत्ता से तुम्हारा सितवे, फिर सितवे से कलादान, वहाँ पे रिवर है इसलिए ये कलादान प्रोजेक्ट कहते हैं। कलादान से फिर हम चढ़ेंगे ऊपर में और फिर मिजोरान में कनेक्ट होगा, ये समझ गए ना। इसलिए कलादान प्रोजेक्ट क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या मल्टी मॉडल तुम्हारा रूट है। ये हो गया कलादान प्रोजेक्ट। हाँ, मगर जिस गति से बन रहा है, बहुत स्लो है ना ये गति, बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है कलादान प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा ना कलादान कहाँ बोल रहे हैं हम। अब दूसरा देखो, ट्राइलेटरल हाईवे जो मोरे से कनेक्ट होगा तुम्हारा थाईलैंड में, हाँ देख रहे हो ना यहाँ पे, बिल्कुल ये दो प्रोजेक्ट हैं। तो फोकस ऑफ इंडिया एंड भूटान, देखो सिमिलरली जिस हिसाब से बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो रहा है, जिसके वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो जाएगा, ऑन सिमिलर लाइन भूटान ने भी कहा है कि हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, हम भी अपना कनेक्टिविटी स्ट्रांग करना चाहते हैं। यदि बांग्लादेश, यदि भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो तो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हमारा कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगा। बात समझ गए ना। तो देखो अभी रिसेंट मीटिंग हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो भूटान के फिफ्थ किंग है, और दोनों ने ही बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए काम करेंगे। देखो दोनों का ही ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है कि कोकराझार, कोकराझार कहाँ पे है, असम में है ना, बिल्कुल, और गेलेफू रेल वहाँ पे है, साउदर्न भूटान में है, दोनों कनेक्ट करने का बात था, समझे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है एंड बिगनिंग डिस्कशन। और दूसरा भी तुम्हारा अनदर भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक, एक तो तुम्हारा आसाम के साथ होगा और तुम्हारा बंगाल के साथ भी होगा। तो इससे क्या होगा कि भूटान और बांग्लादेश का ट्रेड, देखो ताकि भूटान और बांग्लादेश के बीच में भी ट्रेड हो सके भाया इंडिया, समझ रहे हो ना, भाया इंडिया, इंडिया में क्या आसाम और वेस्ट बंगाल। तो देखो और भी बहुत सारे चेक, देखो वहाँ पे बोला गया ना कि एन येट अनदर रेल लिंक एंड अपग्रेडिंग चेक पॉइंट्स अलॉन्ग द इंडिया भूटान बॉर्डर, तो वहाँ पे चेक पॉइंट बनेंगे, स्क्रूटनी के लिए व्यवस्था बनेगा एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं ये प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है। ये पूरा बहुत, जैसे वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ, आप जानते हो तुम लोग, इसे क्या होगा, वही जो मैंने कहा है कि भूटान का जो साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट है और ईस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत अच्छे से हमारा आसाम एरिया से कनेक्ट हो पाएगा, और जो बांग्लादेश का नॉर्दर्न एरिया वो कनेक्ट, एक तरह से कॉरिडोर बन जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया। और दूसरी बात है, जानते हो कि भूटान का इकोनॉमी पूरी तरीके से दो सेक्टर पर टिका हुआ, हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म, तो दोनों को ही बल मिलेगा। और जानते हो कि हाइड्रो पावर में तो हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, हमने बनाया और हम ही खरीद रहे हैं। तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं इससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने का बात है, कहाँ पे, साउदर्न भूटान में, और इसका बहुत फायदा होगा हमारे कंट्री को भी, ठीक है। एयरपोर्ट आने का बात है, देखो गेलपू में, तो कहीं ना कहीं किंगडम भी, भूटान भी चाहता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो, क्यों, खाली हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे बढ़ने से नहीं होता है जी, ट्रेड में भी तो, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी तो आगे बढ़ना है। किसी भी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी उसके ट्रेड और कॉमर्स से होता है। तो राइट दिशा में है भूटान, और भारत भी बहुत सही दिशा में है कि जो हम कनेक्टिविटी स्ट्रांग करने का बात कर रहे हैं भूटान और बांग्लादेश के साथ, इससे हमारा नॉर्थ ईस्ट और ज़्यादा आसानी से एसेसेबल हो पाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 417 जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। हाँ, ये बहुत पहले का न्यूज़ है, 1 अक्टूबर को आया था। मत देखो मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, ठीक है ना। ये देखो सितंबर 25 को हुआ क्या था, हालांकि अभी तुम लोग नवंबर में पढ़ रहे हो, मगर ये सब करंट अफेयर्स का हिस्सा है। तो एक एक सिलसिलेवार तरीके से समझो। अब जानते हो कि साउथ चाइना सी में ये लोग इमेजिनरी 9 डैश लाइन बना दिया है, अब बोला कि ये मेरा है, और जबकि वहाँ पे ताइवान हो, ताइवान जानते हो, ताइवान तो अपने आप को अलग ही कंट्री समझता है शुरू से ही। ये अलग बात है कि वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से ताइवान हमेशा चाइना बोलता है कि ये मेरा हिस्सा है, मगर ताइवान तो हमेशा अकेले ही कंट्री की तरह ट्रीट किया है, ताइपाई याद है ना तुम लोग को। हाँ, तो चाहे वो फिलीपींस हो चाहे ब्रुनेई हो, सभी ना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन साउथ चाइना सी में वो देखेगा, सबका वहाँ पर लगता है बाउंड्री। तो यहाँ पर देखो जो फिलीपींस, एक एक समझते हैं, एक एक करके देखो, जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड है उसने कहा कि यस, हमने वो बैरियर को रिमूव कर लिया जो चाइनीज वेसल ने लगाया था एंट्रेंस में, क्यों जानते हो, इसको बोरो सोल, इसको बोरो सोल का मतलब क्या, इसको बोरो जगह का नाम है, और सोल का मतलब क्या, रेज्ड प्लेटफॉर्म में है वो, एक तरह से ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के। देखो ऐसे भी चाइना ने साउथ चाइना सी में बहुत सारा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है अपना हेजीमोनी को कायम करने के लिए, समझ रहे हो ना।
तो फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने, कोस्ट गार्ड समझते हो ना, सबका अपना कोस्ट गार्ड होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी है कि नहीं है, तो फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने कहा है कि जो भी बैरियर चाइनीज ने लगाया था और जिसके वजह से हम इसको बोरो सोल में नहीं जा पाए थे, वो बैरियर हमने खत्म कर दिया। ये क्यों कर पाया, कैसे कर पाया, क्योंकि प्रेसिडेंट से ऑर्डर आया था, फर्डिनेंड से ऑर्डर आया था। फर्डिनेंड कौन है? फिलीपींस के प्रेसिडेंट। सो सिंपल। हाँ देखो, दिस कम डे आफ्टर चाइनीज, देखो चाइनीज जो तुम्हारा कोस्ट गार्ड ने क्या किया था, 300 मीटर लॉन्ग बैरियर लगा दिया था कि ताकि तुम्हारा फिलीपींस से बोर्ड नहीं आ सके। हाँ, तो इसे और टेंशन बढ़ गया साउथ चाइना सी में। ऐसे शुरू से तुम दबदबा बना कर रखा है और अब तुम बैरियर बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या, तुम चाहते हो कि फिलीपींस हो चाहे आसपास का जो भी कंट्री है वो नहीं आए, मगर फिलीपींस को रहा नहीं गया, और इसलिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया कि जाओ भाई देखो बढ़िया से हटाओ उसका। टेंशन बढ़ जाएगा ना, टेंशन बढ़ जाएगा इससे। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसलिए ये साउथ चाइना सी स्पॉटलाइट में आ गया, न्यूज़ में आ गया, समझ गए ना। और डिस्प्यूट जानते हो, दुनिया भर का डिस्प्यूट है यहाँ पे। तो इस सॉल का मतलब क्या, वही रेज्ड बैंक ऑफ सैंड, यानी कि तू सी लेवल से ना सरफेस ऑफ वाटर से थोड़ा उठा रहता है वो मड सैंड, या तो सैंड हो सकता है या फिर रॉक हो सकता है, जो तुमको क्लियर दिखेगा। तो इसको बोरो जो सोल है वो एक्चुअल में फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। इसलिए आप अब जानते हो ना तुम लोग, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका एक्सक्लूसिव पकड़ होता है आप रखोगे, और 12 नॉटिकल माइल्स के बाद भी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो, क्योंकि स्टेट टेरिटोरी आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है, जानते हो ना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल्स तक, हाँ अनक्लॉज के हिसाब से। और जीरो से लेके कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसमें आप मनी रिसोर्सेज सबको वो कर सकते हो। हाँ पता होना चाहिए तुम लोग को। देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी इसलिए स्ट्रेटेजिक है, समझे ना। और देखो ये अलग अलग दिशा में वियतनाम के साथ भी एरिया शेयर करता है, थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, और जिस हिसाब से चाइना दादागिरी दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, उस हिसाब से ये सब कंट्री अफेक्टेड होगा, है ना। फिलीपींस भी पड़ता है वहाँ पे, और फिलीपींस ने दिखाई दिया कि भाई तुम बनाओ बैरियर, हम तो तोड़ देंगे जो बात है। तो आगे देखो स्टूडेंट, दिस वाटर, अब क्यों इतना, आखिर क्या बात है साउथ चाइना सी में। तो स्टूडेंट साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिक पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, ट्रेड इमेंस ट्रेड होता है। देखो यहाँ पे 2016 का एक रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत ये बताया गया स्टूडेंट, 3.37 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है एक साल में 2016 में, यानी कि भारत का जो अभी जीडीपी है एक साल का, उतना तो वहाँ पे ट्रेड ही हो जाता है एक साल में, बड़ी बात है कि नहीं है बताओ, नंबर वन। दूसरी बात है कि इसका कोई लिंक नहीं है, बट इसको लिंक किया गया है कि 80% जो ग्लोबल ट्रेड है वो तुम्हारा बाय वॉल्यूम सी से ही होता है, यानी कि 100 सामान आ रहा है जा रहा है, तो 80 जो सामान है वो सी से आ रहा है या जा रहा है, और 70% जो वैल्यू है तुम्हारा सी से ही हो रहा है। उसमें स्टूडेंट उसमें देखो साउथ चाइना सी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 60% तुम्हारा वो एशिया से ही पास होता है, और उसमें साउथ चाइना सी तुम्हारा लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सेदारी है साउथ चाइना सी का रूट के लिए। एंड इतना ही नहीं, 64% जो चाइनीज ट्रेड होता है यहीं से गुजरता है, इसलिए तो चाइना को कंट्रोल चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चाइना का जो ट्रेड है 60-70% ट्रेड तुम्हारा साउथ चाइना सी जा रहा है, तो चाइना छोड़ेगा? आज चाइना जानते हो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, आज चाइना बना है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक माइट ना, बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और कैसे होगा ये, क्योंकि उसे कंट्रोल, और इसलिए वो कंट्रोल जमाना चाहता है शिपिंग में, ट्रेड में, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो, हाँ इसका मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अब जहाँ तक सवाल है कि वो 9 डैश लाइन तो क्लेम कर ही रहा है, देखो इससे पहले चाइना 11 डैश लाइन क्लेम कर रहा था, यहाँ दिया नहीं गया है, तो थोड़ा समझ जाओ, सुनो क्या बात है। वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार है अभी भी, और पहले भी था नहीं, वियतनाम जो अभी जानते हो ना, वन ऑफ द गुड बेस्ट डेवलपिंग कंट्री है वर्ल्ड का वियतनाम, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से किसको फायदा हुआ, वियतनाम को फायदा हुआ ना।
चूंकि कम्युनिस्ट सरकार वियतनाम का भी अभी भी है, पहले भी था एस्टैब्लिशमेंट में शुरू से, तो कम्युनिस्ट सरकार का एक संपत्ति रहेगा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेके। तो जो 11 डैश लाइन जो क्लेम कर रहा था ना, तो क्या किया कि बोला कि ठीक है वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार ही है, छोड़ दो, दो डैश लाइन हम हटा देते हैं, अब 9 डैश लाइन। तो वो संपत्ति की वजह से, वो प्यार मोहब्बत की वजह से उसने छोड़ दिया। तो वियतनाम से गुजरेगा वो, वहां से बेहतर, इसलिए वियतनाम में 9 डैश लाइन में देखना वियतनाम के पास नहीं जाएगा वो, तो बहुत क्या ऊपर से था वियतनाम का, बहुत सारा एरिया ले लिया था वो, वियतनाम का नीचे से है अभी, देखो ना वियतनाम कहाँ से है, देख रहे हो ना वियतनाम ऊपर से, वियतनाम देख रहे हो ना ये स्टूडेंट, हाँ तो वहाँ से वो दो दो लाइन छोड़ दिया उसने, इसलिए दो लाइन छोड़ दिया क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पे इसलिए। अब यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट देखो, हाँ सब लोग उसमें क्या नहीं, आइलैंड है, रीफ है, टेरिटोरियल वाटर्स है, अनक्लोज के हिसाब जानते हो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका बिल्कुल टेरिटोरियल सी है ना, आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा फ्रॉम द टेरिटोरियल सी बेस्ट लाइन, ये सब तुम लोग जानते हो इस चीज़ को। 2013 में देखो चाइना क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिया, वही स्प्रेटली आइलैंड में, परासल आइलैंड में, जानते हो तुम लोग है ना, तो ये सब चीज़ चाइना कर रहा है। तो उसके बाद 2013 में मनीला गया वहाँ पे, हाँ चाइना को लेके, चाइना के अगेंस्ट लेके गया वहाँ पे कि देखिए चाइना तो वॉयलेट कर रहा है अनक्लॉज को, तो चाइना बोला कि ठीक है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बोला कि ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इलीगल है मेरे समझ से, बताओ पीसीए कैसे इलीगल हो सकता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और 2016 में रूलिंग भी पीसीए का ये हुआ कि जो चाइना 9 डैश लाइन का जो गाना गा रहा है ये इसका है ही नहीं, फालतू का ये चिल्ला रहा है ना, तो इसलिए जो चाइना का जो ऑफिस जानते हो ना, चाइना अपना दबदबा दिखाने के लिए ऑफिशियल मैप रिलीज करता है ना, हमारा ही बहुत सारा एरिया दिखा दिया ना, और उसकी वजह से नेपाल में क्या हरकत हुआ वो भी हम जानते हैं। तो देखो इसलिए चाइना का जो क्लेम था उसको ठुकरा दिया पीसीए ने, पीसीए का भी रूलिंग को ठुकरा दिया चाइना ने, बोला हम नहीं मानते तुम इलीगल है, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे हम। देखो वही बोला कि चाइना रिजेक्टेड द पीसीए वर्डिक्ट, हाँ व्हाट आर द साइलेंट पीसीए जजमेंट में क्या था, पीसीए जजमेंट में यही था कि जो चाइना इतना बोल रहा है कि हिस्टोरिकल राइट है और रिसोर्सेज पहले भी एक्सप्लॉइट कर रहा था साउथ चाइना सी का, तो बेकार का चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं, अभी अनक्लॉज के हिसाब से चलेगा, सही बात है, लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। हिस्ट्री में क्या था, अब हिस्ट्री में तो हमारा इंडिया का पूरा कंट्रोल था वर्ल्ड में ट्रेड में, तो क्या अभी है, नहीं है तो नहीं है, देख रहे हो ना ये लोग क्या कर रहा है। इसलिए बोला कि नो आपको फॉलो करना होगा 12 नॉटिकल माइल्स तक, बाकी कंट्री को भी देना होगा आपको, ये नहीं होगा आपका ये बोलने से नहीं होगा, तो मगर देखो उसने मना कर दिया, वही इशू दिया गया वहाँ पे। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तुम लोग को। आगे देखते हैं लास्ट वन, 418 जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट बजटिंग, ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 17 सितंबर को, बहुत पहले ही आया था, ठीक है रिलेवेंट है अभी भी तुम्हारे लिए। देखो इसमें बच्चे लोग पूरा इकोनॉमिक से बढ़िया कहानी की तरह समझना इस चीज को, देखो पहले लेमैन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना किसी भी कंट्री में अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना रोजगार बढ़ेगा, नहीं सही बात है ना, रोजगार बढ़ेगा उतना ही क्राउड इन इन्वेस्टमेंट होगा, यानी क्राउड इन होगा, प्राइवेट प्लेयर लोग आएंगे। मगर यदि सरकार कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करे तो अच्छी बात है, ये वन टाइम के लिए ठीक है, टू टाइम के लिए ठीक है, मगर बार बार यही करे तो ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर वही आखिर फिजिकल डिफिजिट हो रहा है ना, फिजिकल डिफिजिट मतलब प्रत्येक साल आपको कर्ज लेके डालना पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वही फिजिकल डिफिजिट ओवर द पीरियड पब्लिक डेट बन जाएगा, अब पब्लिक डेट बन जाएगा जानते हो ना बाद में कितना परेशानी करेगा वो। ऐसे भी हमारा जो एक रुपया में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो पेमेंट में ही जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है ना, लगभग 20 पैसा या 21 पैसा ऐसा कुछ था, सब ज़रा कमाई हमारा जीएसटी समय होता है और उतना लगभग चला जाता है इसमें ही। तो और देखो जिस हिसाब से सरकार ने 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में कहा ना कि हम 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करना चाहेंगे, और बिल्कुल सरकार ने किया ही है, रोडवेज देखो, रेलवे देखो, बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ वहाँ पे, करेक्ट। तो अब चलो ठीक है सरकार का बिल्कुल वाहवाही है इसके लिए सरकार ने किया, मगर ये ज़्यादा चीज़ ये नहीं करेगा, ये बार बार रिपीट करेगा तो पब्लिक डेब्ट बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम है, अब पब्लिक डेब्ट बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कायदे से होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए था और प्राइवेट प्लेयर को। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इतना ज़्यादा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो
प्राइवेट प्लेयर अभी तक अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है, समझ रहे हो तुम लोग, प्राइवेट प्लेयर क्यों नहीं हुआ? चलो ये एक हिस्सा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड ज़्यादा होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, तो उसमें आप ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं है। बात समझे? देखो यहाँ पे आप समझो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या है, इसी को बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसी को। अच्छा स्टूडेंट, तुम लोग को याद है कुछ, ए कुछ याद है तुम लोग को ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, GFC? लिखो तो कॉपी में, लिखो तो बच्चे लोग कॉपी में लिखो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अभी यहां फिक्स दिया गया उसे मतलब नहीं है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, लिखो इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री प्लस वैल्यूएबल्स। पढ़ाए थे इकोनॉमिक में, भूल गया सब? हम फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या बोला है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री प्लस वैल्यूएबल्स, लिख लिए। अब इसका आप समझते हैं कि है क्या ये सब चीज, क्योंकि शब्द वही आया है। शब्द क्या है यहाँ पे? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आया, यही शब्द है। इसका मतलब ये हिस्सा किसका हिस्सा है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। और यदि इसके साथ इन्वेंट्री आए, इसके साथ वैल्यूएबल्स आए, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। तो पहले हमको समझना होगा कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, वैल्यूएबल क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये समझ, देखो ये देखो, इसमें शब्द फिक्स्ड दिया गया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स का मतलब क्या है? देखो जैसे रेसिडेंशियल, जैसे मान लो कि कॉर्पोरेट हाउस बना दिए, एक हॉस्पिटल बना दिए, ये फिक्स कैपिटल है ना इन्वेस्टमेंट। एक स्कूल बना दिए, एक रोड बना दिए, एक रेलवे बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है, वो रहेगा आपका। तो जहाँ जहाँ पे आपका फिक्स्ड हो रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब वो बनाने के लिए तुमको बलुआ चाहिए, वो बनाने के लिए तुमको सीमेंट चाहिए, लिखते रहो वहाँ पे, लिखते रहो इसको, लिखते रहो। उसके लिए तुमको सैंड चाहिए, उसके लिए तुमको आयरन चाहिए, उसके लिए तुमको सीमेंट चाहिए। हाँ बात समझे? वो हुआ इन्वेंट्री प्लस वैल्यूएबल। आपका देखो, आपका वैल्यूएबल का मतलब क्या, आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी तो हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो हो सकता है, वो सब वैल्यूएबल्स। यानी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको वैल्यूएबल्स कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट में कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको वैल्यूएबल्स है, वो भी तुमको पैसा देगा। अब समझो, समझ गए ना? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो फिक्स है, बना दिए। इन्वेंट्री मतलब सीमेंट बलुआ जो चाहिए उसको बनाने के लिए। और तीसरा क्या है? वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब जो आपका स्पेंडिंग हो रहा है गोल्ड में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, एंड सो ऑन। अच्छा ये तीनों चीजें बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिक्स्ड वाला चीज, क्योंकि सीमेंट है बना नहीं है उससे, उसको साइड कर दो, इन्वेंट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बन गया है फिक्स्ड वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि तुम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे क्या फायदा जब तक इकोनॉमी मूव नहीं हो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड अदर थिंग्स। तो इसलिए हम लूजली क्या बोल रहे होते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन्वेंट्री का रकम बहुत कम होगा, वैल्यूएबल का रकम कम होगा, बात समझे ना? और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का रकम ज्यादा होगा, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही तुम्हारा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसी का स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है वो। होप सो समझ में आ गया होगा, होप सो। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, तो ग्लोबली देखो, पूरा ग्लोबली देखो, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है, यानी कि जो कैपिटल पे एक्सपेंडिचर जो होता है, हाँ, जिसके लिए फिक्स्ड एसेट बनते हैं ग्लोबली, पाँच साल पाँच दशक में देखा जाए तो कितना हो रहा था? 25-30% के बीच में, मान के चलो 25-30% के बीच में। बगैर जान लेना कि दुनिया में डेवलप कंट्री भी है, डेवलपिंग कंट्री भी है। डेवलप कंट्री को ज़्यादा नहीं चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, किसको चाहिए? डेवलपिंग कंट्री को चाहिए, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज पे है।
यहाँ पे देखो जहाँ तक सवाल है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का, इंडिया कितना है 29-30% तुम्हारा ऑफ जीडीपी है, वो सब जीडीपी है, परसेंटेज दिया गया ना ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी हमारा 3.5 trillion dollar का है स्टूडेंट, तो उसका हाँ बिल्कुल उसका तुम्हारा 30% तुम्हारा कहाँ जाना चाहिए उसके लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जाना चाहिए। बात समझ में आ गया ना? हाँ, मैं इससे बढ़िया तुम्हारा अभी देखो अभी कितना है 30% है, इससे बढ़िया तो हमारा 2000 में था, 2000 में कितना ज़्यादा था, लगभग 36% ज़्यादा था, 35-40% के बीच में कह सकते हो तुम लोग रफली, तो उस समय ज़्यादा उस समय के जीडीपी के हिसाब से, और अभी कितना जा रहा है लगभग तुम्हारा 25-30% के बीच में जा रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से इंडिया ऐसा डेवलपिंग कंट्री को कम से कम 35-40% के बीच में होना चाहिए, अभी भी बहुत कम है। क्यों? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो बच्चा लोग, अब देखो सबसे बड़ी बात क्यों आखिर ये कम क्यों हुआ है, इसमें सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। अभी भी देखो ना, इस बार भी देखो ना, बजट में 10,00,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है, और गत साल में भी पिछले साल में भी या पिछले दशक में भी नहीं हुआ, तो इसका कारण है कि लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। समझ गए ना? जबकि देखो बैंक का जो प्रॉब्लम था एनपीएस का सॉल्व कर दिए, एनपीएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, वही बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम था कॉर्पोरेट और बैंक का दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रघुराम राजन आए थे जानते हो ना कितना काम किए इस पे, उसके बावजूद भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए यानी कि प्राइवेट प्लेयर को हिस्सा लेना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फिर भी नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो फंडामेंटल एरर है कि जिसके तो प्राइवेट प्लेयर नहीं आ रहा है, जबकि प्राइवेट प्लेयर का जो एनपीएस वाला प्रॉब्लम भी खत्म कर दिया सरकार ने काफी हद तक। तो अब तुम खुद देख लो स्टूडेंट, चाइना का देखो, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कितना हो रहा था 45% तक अब 2013 में उसका जीडीपी के हिसाब से, और अभी चाइना कितना है, अभी भी चाइना 40% से ऊपर ही है, तो ए सो गया क्या इधर देखो, तो कायदे से क्या होना चाहिए 35-40% में होना चाहिए भारत का, भारत क्या है 30%। सुनो ना, इस पर यदि हम फोकस कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ये, देखो यहाँ पे द गवर्नमेंट इज फोकसिंग अप बिंग इट्स ओन, देखो सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खुद अपना ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, देखते ना बजट से कर रही है, अब बजट से करने से प्रॉब्लम क्या होता है जान रहे हो तुम लोग, फिजिकल डिफिजिट पब्लिक डेट, अब प्रॉब्लम तुम ही लोगों को भुगतना होगा उसके लिए। देखो तो गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, यूनियन बजट से लेकर कर रही है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली पीएसयू से करवा रही है, बात समझ गए ना? और देखो इतना करने के बावजूद भी जो प्राइवेट सेक्टर को जो आना चाहिए, स्टेप अप होना चाहिए, वो अभी भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये प्रॉब्लम ये है, जहाँ तक सवाल है कि इंडिया रोड का बात हो या रेल नेटवर्क का बात हो, तो वो भी तो हम बजट से ही दे रहे हैं, जैसे बोले थे ना 2.5 lakh crore तुम्हारा रेलवे को मिला है, तो फिर जो जानते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट करते उसके लिए करती है रोड के लिए, और इंडियन रेलवे तुम्हारे रेलवे के लिए करती है, तो ये सक्सेसिव ईयर में देखोगे स्टूडेंट लगातार देख रहे हो ना, पिछले साल कंपेयर में इस साल लगभग 25% वृद्धि किए हैं, पहले लगभग 7.25 lakh crore था स्टूडेंट, हाँ वही था ना, इतना एक्सपेंडिचर कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ 7.5-7 lakh के बीच में कर रहे थे, इस बार हम 10 lakh कर रहे हैं, लगभग 25% से वृद्धि किए हैं, और ये पिछले बार भी ऐसे ही देखोगे, यानी कि 3-4 साल में लगातार 20-25% से हम बढ़ा रहे हैं। मैं बोल रहा है कि ये बढ़ाना ठीक नहीं है एज पर द क्रिटिक्स, क्योंकि बढ़ाओगे तो फिर पब्लिक डेट बढ़ेगा, वही फिजिकल डिफिसिट बढ़ते बढ़ते फिर पब्लिक डेट बन जाएगा, वही वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सर्टनली द अपग्रेड एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एज आर इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर पब्लिक मनी, क्या बात है, अब देखो तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो वो भी पब्लिक मनी से कर रहे हो, विच इज नॉट बात, इसलिए प्राइवेट प्लेयर को किसी तरह अट्रैक्ट करने की जरूरत है, और स्टेट भी यहाँ पे प्रोएक्टिव स्टेप ले, बताओ स्टेट को भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ खाली केंद्र ही करेगा तो कहाँ से काम चलेगा, प्राइवेट प्लेयर को भी आगे आना चाहिए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो वाई इज द हैवी लिफ्टिंग, आखिर यही था तुम्हारा एडिटोरियल्स का शीर्षक, यही था जी मेन तुम्हारा, कि आखिर हैवी लिफ्टिंग गवर्नमेंट ही क्यों करे, और यदि गवर्नमेंट कर रहा है तो ये एडवाइजेबल नहीं है, गलत चीज़ हो जाएगा, इसका जो परिणाम होगा बहुत ही गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर, क्योंकि देखो प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो वो अपना एफिशिएंसी लेके आएंगे, अपना मैनेजमेंट स्किल लेके आएंगे,
क्योंकि प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो वो बिजनेस के लिए आएंगे, जब बिजनेस के लिए आएंगे तभी तो, यही तो कारण है कि पीएसयू को बेच रहे थे। कल के क्लास में एडिटोरियल्स में ये नहीं बताएं क्या कि सरकार क्यों अपना पीएसयू का माइनॉरिटी स्टेक करती है, चाहती है कि वो एफिशिएंसी आए उसके मैनेजमेंट में, उसके वर्क सिस्टम में। तो प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत जरूरी है, समझे ना, ताकि वो एफिशिएंसी आ सके, मैनेजमेंट का स्किल बढ़िया हो सके। एट द सेम टाइम देखो, और आंख बंद करके केवल पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बनेगी, सरकार की तरफ से खाली पैसा खर्च हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो अच्छी बात नहीं है, बात समझे ना। ये बजट डिफिसिट, वही बोला फिस्कल डिफिसिट तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ अ वर्थ एग्जामिन व्हाई द पब्लिक इन्वेस्टमेंट पुश इज नॉट अटैक। और ये अपने आप में एक मंथन का विषय है स्टूडेंट, कि सरकार इतना खर्च कर रही है उसके बाद भी प्राइवेट प्लेयर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो सरकार को किसी तरह प्राइवेट प्लेयर को अट्रैक्ट करना चाहिए, होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। और सरकार को देखो, अभी तुम देखो गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेब्ट है कितना है, हमारा पब्लिक डेब्ट बताओ तो, हाँ 85-90% के आसपास आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का 60-65% के आसपास है, स्टेट गवर्नमेंट का 20-25% है। पब्लिक डेट अभी हो चुका है तुम्हारा, जबकि एनके सिंह कमेटी, एनके सिंह जो रिकमेंडेशन दिए थे याद है तुम लोग को कोविड से पहले, उसमें कहे थे कि 60% तक ले जाइए अपना पब्लिक डेब्ट को। तो पब्लिक डेट जितना बढ़ेगा उतना प्रॉब्लम होगा, दैट्स इट।